उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है, इस पवित्र धरती की ताकत है कि मैं मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं, ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है, लोग कहते हैं बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। और अब तो ये बात राजस्थान में सोशल मीडिया में बच्चों में जैसे स्पर्धा चल पड़ी है, हर घर से बच्चे वीडियो पर ये वाक्य रख करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, ये दोनों खड़े हैं, इनकी भी बात कर रही हूं मैं, इन ये जब चुनाव जीतेंगे और मुझे मालूम है आप जिताने वाले हैं, पता चल रहा है, आप अगर इनकी भी आदत खराब कर दोगे ना तो बिगड़ जाएंगे। आदत खराब मत करना, जब जब आए तुम्हारे पास काम मांगो, जब जब आए पूछो भाई हमारी संपत्ति हमारे लिए तुम खर्च रहे हो कि नहीं, जब जब आए इतनी छूट मत दिया करो, इतनी छूट मत दिया करो। ये जो भाजपा के नेता है ना, बहुत बड़ी छूट दे दी आपने इन्हें। आज तो मैंने सुना कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं कांग्रेस की जो सरकार है गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहां पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूं, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी यह है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं तो मोदी जी का नुकसान होगा, क्योंकि मोदी जी
आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अगर मोदी जी खुद ही समझ जाएं और आप उनको समझा दें कि ये नहीं चलेगा, कि जो देश की संपत्ति है ये किसी एक दो जनों के हाथों में मत सौंपो मोदी जी, ये आपका कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति, इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि आप इस बात को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है और गरीबों किसानों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी यही है कि देश की जनता सब समझ जाएगी, देश की जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा।